हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टूडेज क्लास इज फॉर एट्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर टू सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है चैप्टर नंबर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर आपको क्या करना है आपको चैप्टर देखने के टाइम पे अपनी बुक और पेंसिल ठीक है बुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है जिससे जहाँ पे भी मैम बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है आपको अंडरलाइन कर लेना है वहाँ पे और टिक मार्क कर लेना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड ऑन फो का पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम जान चुके हैं शेप ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म और, और हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे होते हैं हेल्दी होते हैं कि बेकार होते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम से कैसे दूर रहना है और माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म लीव उनका हैबिटेट ये भी हम देख चुके हैं आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लेंगे और जब भी आप वीडियो क्लास को देखेंगे बुक और पेंसिल को अपने साथ रखेंगे सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पेज नंबर फर्स्ट आप लोग ओपन कर ले, पेज नंबर नाइनटीन यहाँ पे हमने देखा था स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रो ठीक है एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर विजिबल ओनली अंदर आ माइक्रोस्कोप नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफरेंट शेप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे ठीक है इस इमेज में फिर हमने देन डिस्कस किया था डिजीज एंड देयर कॉजिटिव माइक्रोब्स जो कि इंपॉर्टेंट था मैम ने आपको बताया था उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था प्रैक्टिकल टास्क भी हमने डिस्कस किए हैं सारे नेक्स्ट है, है हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव इस पर भी डिस्कशन हो चुका है वो कहाँ रहते हैं सिस्ट बना करके रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो वो अपना सिस्ट ब्रेक करके क्या करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में फ्रीली घूमते हैं इसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पे हम डीपली स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई का अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे बैक्टीरिया कैसा होता है फंजाई कैसा होता है जो हमें हार्मफुल करता है तो पहले यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहला है हमारा बैक्टीरिया ईच बैक्टीरियम इज़ अ सिंगल सेल विथ अ सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया कैसा होता है सिंगल सेल होता है उसका सेल वॉल होता है साइटोप्लाज्म होता है कह सकते हैं बैक्टीरिया कुछ ऐसे शेप का होता है ये हो गया इसका आउटर क्या हो गया सेल वॉल इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये जो साइटोप्लाज्म ठीक है ऐसा बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया का जो जनरल शेप है वो यहां पे बताया हुआ है देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इट कैन एग्जिस्ट अलोन बट समाइम्स इट फॉर्म चेन और ग्रुप एब्जॉर्बशन ऑफ सब्सटेंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट टेक प्लेस थ्रू देयर सेल वॉल तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बैक्टीरिया कभी कभी अकेला होता है कभी कभी ग्रुप में होता है ठीक है उसका क्या है सेल वॉल है आउटर फिर उसके अंदर क्या है मतलब लिक्विड भरा हुआ है और ये कभी कभी अकेला होता है ग्रुप में होता है और ये अपना वेस्ट मटेरियल कैसे निकालता है जैसे कि इसकी सेल वॉल है ठीक है फिर ये क्या करता है जब इसको वेस्ट मटेरियल निकालना होता है एक छोटी सी शॉर्ट ओपनिंग करता है और यहाँ से इसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पहला है बेसिलाई पहला है बेसिलाई दूसरा है कोकाय बेसिलाई क्या है टाइफाइड फीवर रॉड शेप ठीक है सोर थ्रोट तो अगर बेसिलाई हमें टाइफाइड फीवर अगर किसी को हो जाता है तो मतलब वो कौन से बैक्टीरिया से बैसिलस या बेसिलाई बैक्टीरिया से रॉड शेप बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुआ है यह किसी का शोर थ्रोट हो जाता है मतलब गले में खराश तो वहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया होता है कोकाए कौन सा बैक्टीरिया होता है कोकाय आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेसिलई और कोकाय दोनों बैक्टीरिया बेसिलाई क्या करता है टाइफाइड फीवर कॉज करता है और कोकाई से क्या शोर थ्रोट हो जाता है गले में खरास हो जाती है उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर शेप ऑफ़ बैक्टीरिया दिया है अलग अलग इस शेप के बारे में अभी हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया का ऐसा शेप भी होता है ऐसा भी होता है और स्पाइरल शेप भी होता है ठीक है रॉड शेप बैक्टीरिया स्पैरिकल शेप बैक्टीरिया कॉफ शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के बेसिकली कितने शेप होते हैं चार बैक्टीरिया के बेसिकली कितने शेप होते हैं चार शेप होते हैं यहाँ पे आपने इमेज में देख लिया फिर यहाँ पे विब्रियो कालरा ठीक है जो थर्ड नंबर पे है वो है विब्रियो विब्रियो जिसको कालरा हो जाता है इसकी किससे होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया से होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया क्या कॉज कर जाता है कालरा कॉज कर जाता है किसमें ह्यूमन बींग्स में मतलब बीमार कर देता है देन अगर फोर्थ नंबर पर बात करें स्पायरल शेप बैक्टीरिया ठीक है स्प्रीला क्या है साइफल्स रॉर शेप बैक्टीरिया बट ट्विस्टेड इंटू अ स्पाइरल ठीक तो ये जो चार पॉइंट दिया हुआ है बेसिला है विब्रियो एंड स्प्रीला तो ये सब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आप टिक कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वायरस यहाँ पे जो आपने इमेज में देखा ये भी देख सकते हैं कि बैक्टीरिया बेसिकली आपके बुक में दिया हुआ है चार टाइप्स के हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेसिल्लाए कोका है प्रेला जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे नाइन टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ में तो बैक्टीरिया के आपको और भी काफ़ी सारे शेप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा लेकिन अभी सिर्फ आपको क्योंकि आप लोग छोटी क्लास में एट्थ स्टैंडर्ड में हैं आपको सिर्फ चार शेप बताए गए हैं और कौन सी चीज़ों से कौन क्या होता है ये आपको पढ़ना है आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि बेसिलाय से क्या है टाइफॉइड फीवर कोकाई से क्या हो जाता है सोर थ्रोट हो जाता है उसके बाद विब्रियो से क्या होता है कालरा और स्प्रेला से साइफल्स ठीक है ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमन बॉडी में कॉज हो जाती है नेक्स्ट हम आते हैं वायरस वायरस कैसे होते हैं इसके बारे में जानते हैं आप सबको पता है कोविड नाइन्टीन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ इस है इसीलिए आपको स्कूल्स क्लोज हैं लेकिन वो किसके कारण है वायरस के कारण है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वायरस के जो डिफरेंट शेप होते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को ठीक है कोविड नाइन्टीन जो हो रहा है वो वायरस के कारण ही तो हो रहा है हमारी बॉडी किसके इन्फेक्ट में चली जाती है वायरस के इन्फेक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है किससे वायरस से तो वायरस कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं ठीक है वायरस की फैमिली कैसी होती है ये देखते हैं हम आज वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया वायरस क्या है बैक्टीरिया से बहुत छोटे छोटे से होते हैं कितने छोटे पॉइंट इनका साइज क्या है पॉइंट वन फाइव ठीक है ज़ीरो पॉइंट वन फाइव टू ज़ीरो पॉइंट टू ये बहुत छोटा साइज है आँखों से तो बिल्कुल नहीं दिखेगा ठीक है माइक्रॉन्स में है तो इसके लिए हाई पापर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है किसको वायरस को देखने के लिए क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो ये डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं दिखे दिखेंगे ठीक है दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर आउटसाइड द होस्ट सेल एंड नॉन लिविंग ठीक है ओनली दे एंटर द होस्ट सेल दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग क्या करते हैं ये जैसे ही होस्ट सेल पर एंटर कर जाते हैं मतलब किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल में जैसे ही ये एंटर करते हैं ये क्या करते हैं मान लीजिए मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी इसके अंदर क्या एक बैक्टीरिया एंटर हुआ ठीक है ये क्या करेगा इस बॉडी के एंटर होने के बाद अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेगा अपने नंबर्स डबल कर लेगा ट्रिपर कर लेगा और इस तरह अपने आप को बढ़ाता जाएगा उस बॉडी के अंदर वंस दे एंटर द होस्ट सेल दे स्टार्टिंग रिप्रोड्यूसिंग दे आर लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग दे कैन बी रॉड शेप इस्पेरिकल एंड अदर शेप तो ये इनके शेप क्या क्या हैं ये रॉड शेप इस्पेरिकल और अदर शेप्स के होते हैं यहाँ पर बेसिकली इनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिया हुआ है इमेज में ठीक ये बैक्टीरिया का शेप कैसा है अरे सॉरी वायरस का शेप कैसा है ये बैक्टीरिया वायरस है और ये ममेलियन वायरस है ठीक यहाँ पर देख सकते हैं इसके आउटर में ये छोटे छोटे से स्पाइक्स प्रेजेंट है क्या कहते हैं इसे स्पाइक्स कहते हैं ये इसका एनवलप है प्रोटीन कोट है न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है तो वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आप सबको पता है कोविड नाइन्टीन क्यों हो रहा है वायरस के कारण हो रहा है और ये वायरस इतना स्ट्रोंग है कि सबको बीमार कर रहा है ठीक है इससे आपको सेफ़ भी रहना है यहाँ पे आपने वायरस के बारे में जान लिया वायरस कैसा होता है पहले तो ये क्या करता है डिवाइड नहीं होता किसी भी बाहर जगह में तभी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को छूना नहीं है अगर आप किसी से कोई सामान ले रहे हो उसे वॉश कर लीजिए अगर उसमें वायरस लगा हुआ है और गलती से आपने उसको क्या किया हैंड से टच किया ठीक है क्या किया हैंड से टच किया उसके बाद क्या किया आपने उसको फिर हैंड को अपने बॉडी में टच कर लिया या तो आपने दूसरा हाथ अपना छू लिया उससे ठीक है बिना वॉश किए या आपने अपने फेस को कहीं पे छू लिया तो उससे क्या होगा वो जो वायरस है वो आपके क्या फेस में एक एक भी अगर एक पॉइंट का भी वायरस आपके फेस में लग गया फिर वो आपके अंदर बॉडी में जा कर के अपने नंबर्स डिवाइड कर लेगा मतलब एक वायरस पाँच छः दस पंद्रह में बन जाएंगे फिर वो दस पंद्रह फिर आगे दस पंद्रह में बन जाएंगे तो ऐसे क्या होगा आपकी बॉडी में वायरस के नंबर इंक्रीज करते जाएंगे जिसके कारण बीमारी बढ़ती जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आप लोग ने देख लिया वायरस के बारे में वायरस के बारे में एक्सप्लेनेशन भी देख लिया इसलिए तो आपको बच के रहना है सेफ्टी के साथ रहना है नेक्स्ट हम देखेंगे फनजाई फंजाई क्या है पेन सेलेक्ट करते हैं पहले तो फंजाय दीज आर प्लांट लाइट ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल ये कैसे होते हैं ये प्लांट की तरह होते हैं पर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता आप लोगों ने सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है ठीक है बट अगर फंजाई की बात करें तो ये ग्रीन प्लांट्स तो हैं बट इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता ये ग्रो कहाँ करते हैं दे ग्रो ऑन अवर फूड लीव ऑन फ्रूट जूसेस अपीयर ऑन पेपर एंड लेदर गोथ्स ठीक है ये कहाँ कहाँ हमारे खाने पे डेवलप कर जाते हैं जैसे कि आपको पता है कि आप एक स्लाइस ब्रेड को क्या करें आप एक स्लाइस ब्रेड को अगर पानी में डुबो करके और कुछ दिन के लिए बाहर ऐसे ही खुला छोड़ दें फ्रिज में नहीं रखना है ऐसे ही बाहर आप रख देंगे ढक के उसको कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसमें काला काला सा कुछ चीज़ें आने लगेंगी वो क्या है वो फनजाई है क्या डेवलप हो रहा है उसमें ब्रेड में फनजाई डेवलप हो जाता है ठीक है तो इस तरह से हमारे खाना अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए ब्रेड अगर फाइव टू सिक्स डेज पुरानी हो जाए जो आप मार्केट से लेके आते हैं तो उसे नहीं खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें फनजाई डेवलप हो जाता है ठीक है फनजाई डेवलप हो जाता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ठीक है एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया अगर आपको चेक करना है ये एक प्रैक्टिकल टास्क है तो आप कैसे कर सकते हैं फनजाई को घर में चेक आप एक स्लाइस ब्रेड को लीजिए इसको पानी में डाल दीजिए पानी में डालने के बाद उसे पाँच छः दिन के लिए कितने दिन के लिए पाँच छः क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा है गर्मी में अगर पाँच छः दिन के लिए उसको छोड़ देंगे तो उसमें कुछ दिन में यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का ऐसे लग जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे फनजाय इसके बाद आते हैं फोर मेन टाइप्स ऑफ फंजाय फंजाय कितने टाइप्स के होते हैं उसके कितने टाइप्स है फोर कौन कौन से यूनिसेलुलर ईस्ट माइल्ड्यू मोल्ड मशरूम ठीक है कौन कौन से चार हैं तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ये आपकी इमेज में दिया हुआ है ये यह आपको यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है एक शेप ऐसा होता है एक शेप ऐसा होता है ये हो गया मोल्ड और ये हो गया आपका मशरूम ठीक है मशरूम भी फंजाई है क्योंकि ये मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट वीडियो देखा होगा वहाँ पे आपकी मैम ने आपको बताया था कि फ़नजाए और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ ख़राब हैं हम मशरूम क्यों खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो मशरूम जो है वो हमारे लिए अच्छा फंजाई है खाने में इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे फंजाई को खा सकते हैं आप कुछ कुछ फंजाई को खा सकते हैं आप मशरूम खा सकते हैं लेकिन सारे फंजाई को नहीं खा सकते ठीक है तो जो जो मश... फंजाई को हम खा सकते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वो है एलगी एलगी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एलगी क्या होता है दे आर अबर्न As grass, algae are principal food producer in water environment. Their size ranges from वन micron to फिफ्टी micron. The largest and most complex marine algae are called सी वीट्स ठीक है मेराइन अलगी को क्या कहते हैं सी वीट्स कहते हैं जो बहुत ही लार्जेस्ट होती है आप सबको है, algae कहाँ होती है Algae को हिंदी में क्या बोलते हैं काई क्या बोलते हैं काई और ये किस कलर की होती है ग्रीन कलर की होती है ठीक है और जब आप देखते हैं ना कहीं पे अगर आपके घर के आसपास या आप अपने गांव जाएंगे वहाँ पे तालाब बने होते हैं ठीक है कभी कभी नदियों में ठीक है तालाबों में क्या होता है हरा हरा सा पानी के ऊपर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम एलगी कहते हैं काई कहते हैं कभी कभी आपके घर की छतों में कुछ ग्रीन ग्रीन सा पानी जब बहुत ज़्यादा बरसता है तो ग्रीन ग्रीन सा स्लिपरी सा हो जाता है वो सब क्या है वो सब एलगी है ठीक है सेल्स ऑफ ऑल एलगी कंटेंट क्लोरोफील लाइक हायर प्लांट दे आर फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेटिक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप क्या करिए यहाँ पर स्टार बना लीजिए अंडरलाइन करके यहाँ पर स्टार बनाइए क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला गया एलगी जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफील प्रजेंट होता है पेड़ों की तरह उसमें क्लोरोफील प्रजेंट होता है मतलब ये जो एलगी होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं इसमें क्लोरोफील प्रजेंट होता है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है ठीके? ये क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं कौन सा प्रोसेस से फोटो के प्रोसेस से तो ये आपको पता होना चाहिए एलगी की ये, 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 ये क्वालिटीज हैं ठीक है थीके? तो इसको आप क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे फटाफट से और यहाँ पे डबल स्टार बनाएं अपनी बुक में देखिए डबल स्टार बनाइए और अंडरलाइन करिए उसके बाद यहाँ पे यूनिसेलोरा एलगी का एग्जांपल दिया है क्या है एग्जांपल चलाए डोमनास डाई आइटम्स लीव इन कॉलोनी ये दोनों एलगी क्या है कॉलोनी में लीव करते मतलब अकेले नहीं रहते ढेर सारे डाई आइटम्स या ढेर सारे ये आले एलगी एक साथ रहते हैं एक जगह पे अकेला एलगी नहीं रहता ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या दिया हुआ है कुलरा इज अ फ्रेश वाटर एलगी इट इज़ रिच इन सोर्स ऑफ प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल इट इज़ प्रिपरेशन आर रिकमेंडेड एज अ डाइट सप्लीमेंट ठीक है तो ये जो एल्गी है इसे क्या रिकमेंड किया जाता है डाइट सप्लीमेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है क्यों क्योंकि ये बहुत ही रिच है किसमें प्रोटीन में विटामिन में एंड मिनरल्स में ठीक है तो आप क्या करेंगे इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पे डबल स्टार लगाएंगे कि ये वाला एल्गी क्या कर सकते हैं हम खा सकते हैं ठीक है अपने फूड के साथ क्योंकि ये प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स में रिच है और हमारी बॉडी को क्या करेंगे हेल्दी करेंगे सो so स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लास को नहीं देखा है वो देख लेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे वो क्या है प्रोटोजोआ यूज़ एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लास की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे ठीक है तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया के अलग अलग शेप वायरस के अलग अलग शेप और वो कैसे इन्फेक्ट करते हैं कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके डेवलप करते हैं मल्टीप्लाई होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं ये भी हमने देखा फिर हमने देखा फंजाई के बारे में देखा फनजाए कितने तरह के होते हैं चार तरह के होते हैं ईस्ट माइल्ड्यू मोल्ड एंड मशरूम ठीक है इसमें से कुछ फनजाय होते हैं जो हम खा सकते हैं क्यों खा सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में प्रोटीन मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं प्रो करते हैं ठीक है और कुछ फनजाए ऐसे होते हैं जिसे नहीं खा सकते ऐसा हमें कैसे पता चलता है जो बड़े बड़े लैब्स हैं जब आप बड़े होंगे अगर आपको साइंटिस्ट बनना होगा साइंटिस्ट बनेंगे आप लैब में वर्क करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में या जंगलों में जो जो चीज़ें होती हैं जो जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये चीज़ खा सकते हैं ये चीज़ नहीं खा सकते ये चीज़ पॉइजनस है एंड ये चीज़ यूज़फुल है आपकी बॉडी के लिए तो जो डिफ़रेंट टाइप ऑफ फंजाई है वैसे साइंटिस्ट को पता चला जब उन्होंने टेस्ट किया मशरूम को तो उन्होंने देखा कि मशरूम में तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटीन से जो ह्यूमन्स को बॉडी की नीड है ह्यूमन बॉडी की नीड है इसलिए मशरूम को लोगों ने खाना शुरू कर दिया इसी तरीके से एल की बात करें ठीक है यहाँ पे यूज़फुल एल भी बताया गया है जिसमें प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसी तरीके से हम जान सकते हैं साइंटिस्ट के वे में साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि कौन से चीज़ें खाने लायक है कौन सी चीज़ें खाने लायक नहीं है तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है आप लोग क्या करेंगे जहाँ पर मैम ने बताया है आपको यह इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर डबल स्टार बना लेंगे अंडरलाइन कर लेंगे आपको डबल स्टार बना लेना है एंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से सो so, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है थैंक यू